देशभक्ति का प्रमाण पत्र किसी से लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम कितने कठोर हिंदू है उसका हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहते हैं। हमारा एक मजबूत देश, मजबूत प्रधानमंत्री, हमारे मजबूत गृह मंत्री जी, आपके ऊपर हमारी आशा है। अगर पाकिस्तान की भाषा हमको पसंद नहीं है तो हमारी इतनी मजबूत सरकार है, पाकिस्तान को खत्म करो। तल्खी, व्यंग और चुटिलपन से भरा यह अंदाज शिवसेना के प्रवक्ता राज्यसभा सांसद संजय राउत का है। उनमें यह अंदाज एनडीए से अलग होने के बाद खास तौर से आया है। नमस्कार, जूम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सद्दाम अली। नागरिकता संशोधन बिल के राज्यसभा में पेश होते ही बिल पर बहस शुरू हो गई। बीजेपी के जेपी नड्डा ने सरकार का पक्ष रखते हुए बिल की अच्छाइयां गिनाई, तो वहीं शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आप जिस स्कूल में पढ़े हैं हम स्कूल के हेडमास्टर रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट जूम न्यूज पर। सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 जो लोकसभा में पास होकर राज्यसभा में आया है, मैं देख रहा हूँ अलग अलग मत प्रवाह यहाँ देखने को मिले। और लोकतंत्र में इस प्रकार से अलग मत प्रवाह जब होते हैं, यही हमारी डेमोक्रेसी है। और जो बिल का समर्थन करेंगे वो देशभक्त है, जो इस बिल को समर्थन नहीं करेंगे वो पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे। उसका मतलब हम ये पाकिस्तान की असेंबली तो नहीं है, यहाँ हो या वहाँ हो, हम इस देश के नागरिक हैं। देश की जनता ने सबको वोट किया है, यहाँ भी किया है वहाँ भी किया है, और देश की जनता ने वोट किया है, तो पाकिस्तान के नागरिक की असेंबली नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान की भाषा हमको पसंद नहीं है तो हमारी इतनी मजबूत सरकार है, पाकिस्तान को खत्म करो। पाकिस्तान ऑक्युपाइड, हम आपके साथ हैं। आप संजय जी चेयर को संबोधित कर बोले और बीच में हम है आपके साथ। पाकिस्तान हो या जो हिंदुस्तान के हमारे जो भाई वहां इस देश में अल्पसंख्यक के उसको तकलीफ होती है, उनका छल होता है, तो हमारा एक मजबूत देश, मजबूत प्रधानमंत्री, हमारे मजबूत गृह मंत्री जी, आपके ऊपर हमारी आशा है। आपने 370 को हटाया, हमने जी जान से आपको समर्थन दिया है, देते रहेंगे। आज देश के बहुत से हिस्से में मैं देख रहा हूं इस बिल को विरोध हो रहा है, हिंसा हो रही है। असम हो, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, एक सेक्शन समर्थन में है, एक सेक्शन विरोध में है, वो भी देश के नागरिक है, देशद्रोही नहीं है। तो देशभक्ति का प्रमाण पत्र किसी से लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम कितने कठोर हिंदू है उसका हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहिए। और हमारे 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 स्कूल के हेडमास्टर बाला साहब ठाकरे थे, अटल जी भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, सब हम सबको मानते हैं। मैंने आज अभी एक अखबार में पढ़ रहा था कि कश्मीर में दो जवान शहीद हुए, मुसलमान थे, उनके परिवारों ने भी इस बिल को विरोध किया है, जो शहीद हुए उनके परिवारों, तो देशद्रोही तो नहीं है। मैं मानता हूं ये बिल धार्मिक नहीं है, ये बिल मानवता के आधार पर उसका ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और हमें यह भी पता है कि घुसपैठ और शरणार्थी में फर्क है, तो क्या बिल पास होने के बाद संजय जी कंक्लूड करिए, इस देश के सभी जो घुसपैठ है उसको आप बाहर निकालेंगे? निकलना समय चाहिए तो निश्चित है ना, गृह मंत्री जी की कमिटमेंट है। नहीं नहीं, चुनाव के रैली में भी आप ही लोगों ने तय किया है, बैठकर कमिटमेंट है। इस देश के एक एक घुसपैठियों को हम बाहर निकालेंगे। अगर हम हमारे शरणार्थियों को यहाँ जगह दे रहे हैं तो घुसपैठियों को निकालना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसके अधिकारों का हनन हुआ है, जबरदस्ती धर्मांतरण होता है, बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है, हत्याएं होती है,
और मानवता के आधार पर हमको संजय जी उनको स्वीकार करना चाहिए, कंक्लूड करिए, उनको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम उनको अगर स्वीकार करते हैं तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये इच्छा शक्ति दिखाई है और सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल 2019 को लोकसभा में पहले पेश किया गया और आज राज्यसभा में चर्चा के लिए आया है। सारी बातों को समझते हुए, इस बिल के अंदर समावेश करते हुए, देश के अंदर जो लंबे समय से एक अन्याय के वातावरण में लाखों लोग जी रहे थे, उनको सम्मान के साथ जीने का एक रास्ता देने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को भी बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेकर आए। जब आर्ग्यूमेंट की कमी होती है तो वह अपने विद्वता का प्रदर्शन करते हुए कई आर्ग्यूमेंट्स ले आते हैं जिसका मूल से संबंध कम होता है, और इसलिए कई बार ये लगता है कि जो वक्तव्य आया है उसमें फोर्स तो बहुत होता है, उसमें आवाज भी बहुत होती है, लेकिन तथ्य कम होता है। मैं रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना चाहता हूं और रिकॉर्ड स्ट्रेट ये करना चाहता हूं कि हम कभी गांधी जी की बात करें, कभी सावरकर जी की बात करें, कभी हम किसी की बात करें, वह करना ठीक है। लेकिन आज जिस सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका आधार सिर्फ एक है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिस माइनॉरिटी को रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ है, प्रताड़ना हुई है, और वो लोग भारत में शरण लिए हैं या शरण लेना चाहते हैं, उनको सिटीजनशिप राइट देने का अधिकार देने का काम है। यह मूल बात है।